कोई हादसा हो, इमरजेंसी या मैयत अस्पताल से घर ले जानी हो, कराची में ईदी और छिपा एम्बुलेंस ही नजर आती हैं। कराची समेत सिंध भर में सरकारी एम्बुलेंस की तादाद 645 बताई जा रही है। सिंध हुकूमत के मुताबिक इनमें से 580 एम्बुलेंसेज फाल हैं, लेकिन सड़कों पर एक भी सरकारी एम्बुलेंस नजर नहीं आती। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक दादू में 30, हट्टा में 32, सजावल में 10, मीरपुर खास में 34, उमरकोट में 20, थरपारकर में 34, नवाबशाह में 18, सांगड़ में 21, नौशर फरोज में 30, सखर में 19, घोटकी में 16, खैरपुर में 50, लाड़काना में 27, कंबर में 17, कश्मोर में 13, जेकबाबाद में 27, शिकारपुर में 39, जबकि शहर कायद में 11 सरकारी एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। लाड़काना की बेनजीर यूनिवर्सिटी में एक भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं है। बहुत से सरकारी एम्बुलेंसेज तो सरकारी अस्पतालों के स्टाफ के पिक एंड ड्रॉप पर मामूर हैं। सेक्रेटरी सेहत सिंध सईद अवान कहते हैं, जहाँ पर एम्बुलेंसेज फंक्शनल नहीं है वहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। देखिए, हम वक्तन फवक्तन जो है यहाँ से हेल्थ सेक्रेटेरिएट से जितनी भी हमारी फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनको हिदायत जारी होती हैं कि जारी बात है ये एम्बुलेंसेस कोई घूमने के लिए उसके लिए नहीं होता है। दो एम्बुलेंसेस आर फॉर दी वेलफेयर ऑफ पेशेंट्स जो है, या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर तो उसकी बॉडी को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए जो है ये यूज़ होती हैं। तो हम उनको कहते हैं, अभी ये देखें उधर मैनेजमेंट का इशू होता है, कहीं पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। चंद रोज कबल मीरपुर खास में 10 साल बच्चे की मैयत ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस ना मिलने पर सानिया पेश आया था, जिसमें मैयत मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए बच्चे के वालिद और चाचा जहां भाग हो गए थे।